हेलो एवरीवन, आई होप कि आपने ऑली बोर्ड का लाइव मॉक दे दिया होगा एंड उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो मॉक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इनिशिएटिव कि जो लास्ट टाइम जो ऑली बोर्ड का मॉक हुआ था उसमें जो जीके के जो 25 क्वेश्चन थे तो मैंने उसके जो एनालिसिस करके जो लिखे थे एंड उसका एक जस्ट क्विक रिविज़न कर लेते हैं। मैंने ऐसे उसको हैंड रिटन नोट में ऐसा बनाया था, डिजिटल नोट में। तो जैसे कि ये चरक एंड अश्वघोष किस समय में के साथ में थे, राजा के साथ में, तो कनिष्क के साथ में। साथ ही तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एंड ई फॉर एजुकेशन है। ये नीति आयोग के द्वारा लाया गया था एंड कब लाया गया था, 2017 में। तो इसका कोड ऐसे मैंने बनाया था कि साथ से स थ रा, तो 17 2017। मनी बिल राज्यसभा को 14 दिन में पास करना होता है। 1947 में INC का जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, आचार्य कृपलानी जी थे। जो फोर्थ एशियन पैरा गेम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो चाइना में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का किसने जीता है, जैनिक सिनर ने जीता है। तो इसका कोड ऐसे बनाया था कि मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है, जीते जनक जी, जनक जी नाम मैंने याद कर लिया था। एंड जो सारे ओपन होते हैं उसको अफवा जो कोडिंग होती है उससे याद कर सकते हैं कि साल में कैसे कैसे किस सीक्वेंस में होते हैं। तो अफवा में ए फॉर पहला ऑस्ट्रेलिया है, देन एफ से फ्रेंच है, डब्ल्यू से विम्बल्डन है एंड ए से अमेरिका है, लास्ट वाला अमेरिका है। उसके बाद जो ये हरिकेन वाला आता है, ये साइक्लोन कहाँ पे आता है, ये नॉर्थ अटलांटिक में आता है एंड जो पैसिफिक वाले में आता है उसको टाइफून कहते हैं। टाइफून में पी आता है तो पी से पैसिफिक में आता है। साइक्लोन हमारे इंडियन ओशन में आता है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी कब दी थी, तो 1808 में दी थी। उसके बाद एनुअल प्लान, एनुअल प्लान कब आए थे, 1966 से 69 तक वाले को कहते हैं प्लान हॉलीडेज। उसके बाद एक बार और आए थे ये रोलिंग प्लान, 1978 से लेके 90 तक वाले को रोलिंग प्लान कहते हैं। शहीद परवेज़ खान ये कौन से घराने से संबंधित था, ये क्वेश्चन था। तो ये इटावा घराना से थे और ये सितार बजाते हैं, तो शाहिद सितार बजाते हैं एंड तो इसको शाहिद कपूर शावा शावा कर रहे हैं, तो शावा, तो इटावा इसका घराना एक कोड बन सकता है, जस्ट अ ट्रिक्स। एंड ये टैबलो विनर रिपब्लिक डे 2024 के कौन सी मिनिस्ट्री जीती थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जीती थी। पुरु दधीच, यहाँ एच रह गया, तो पुरु दधीच किस डांस से संबंधित है, कथक से संबंधित है। दधीचे जी की कथा आपने सुनी होगी कभी ना कभी। पंडनलूर स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम की जो मतलब कौन सी इसकी एक्सपोनेंट है, तो वो है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। तो इसका तो कोई ट्रिक नहीं बन रही थी, मतलब बस पिल्लई का पी पी मैच हो रहा था। उसके बाद ये जो लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू जो ऑस्मोसिस थ्रू जो प्लांट अपना जो वाटर लॉस करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको प्लास्मोलिसिस कहते हैं। अर्नो दोई 2.0 ये स्कीम कहाँ लॉन्च हुई है, तो ये आसाम में लॉन्च हुई है। इस स्कीम का क्या मतलब है, पॉवर्टी को कम करने वाली स्कीम है, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। एक स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो CM होता है, इसी के अंडर में होता है। एंड जो गवर्नर के अंदर में ही एग्जीक्यूटिव पावर सारी होती हैं। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है 5 सालों के लिए एंड ड्यूरिंग हिज प्लेजर। निशा गांधी डांस फेस्टिवल तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, तिरुवनंतपुरम केरला। दीवाने खैरात तो ये कौन लाया था, FST लाया था, फिरोज शाह तुगलक। ये एक मैंने स्टार्टिक बनाई थी, खफा, दीवाने खैरात बनने पे लोग खफा हो गए, तो ख फा फा से फिरोज शाह तुगलक। MBT के साथ इसका डाउट होता है ना। मनदीप जांगरा तो ये किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। किसी के नाम का मैं बिगाड़ नहीं रहा, बस याद करने की एक टेक्निक है ये कि मतलब जंग किस में लगती है, बॉक्स में लग जाती है, तो जांगरा जी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। रियल कॉस्ट किसे कहते हैं, तो रॉ मटीरियल एंड लेबर दैट आर यूज इन द प्रोडक्शन इज कॉल्ड रियल कॉस्ट। सो ये थे जो मतलब 20+ क्वेश्चंस तो थे जो जीके के लाइव जो ऑली बोर्ड का जो मॉक हुआ था उससे रिलेटेड क्विक रिवीजन। तो अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो ऑली बोर्ड का लाइव मॉक है उसको अब स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज रीजनिंग कर ही लेते हैं। हाउ मैनी कार आर बस नॉट एरोप्लेन एंड ट्रेन, हाउ मैनी कार का स्क्वायर में जाना है, बस बस हो सकती हैं स्क्वायर सर्कल, नॉट एरोप्लेन एंड ट्रेन यानी कि दो, ये इससे मतलब नहीं है, बस दो होगा आंसर।
स्टेटमेंट सम बेड आर सोफा, ऑल सोफा आर चेयर, नो चेयर इज टेबल। ओके, तो सम सोफा आर टेबल, सम सोफा आर टेबल कभी नहीं होंगे। सम बेड आर चेयर, सम बेड आर चेयर बिल्कुल सही बात है। दूसरा, 12 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ना ना ना। ऑल नेल आर पेन, ऑल नेल आर पेन, ऑल स्पाइक्स आर पेन, ऑल स्पाइक्स आर पेन, ऑल पिन्स आर टैक, ऑल नेल आर टैक बिल्कुल सही बात है। ऑल स्पाइक्स आर टैक होंगे और सम टैक आर पिन, बिल्कुल सारे सही हैं। लगो STRKMIKK बाद पहले वाला MIT बाद वाला लेटर है, टी के पहले वाला लेटर है, के बाद वाला लेटर है, बट आई तो दो पहले आता है। XUVW बाद में देखते हैं इसको। वाटर इमेज पहला तो मैच बहुत कर रहा है, ये बीटा नहीं आएगा, पहले जैसा ही होगा, बट बीटा गड़बड़ करा है, पहले जैसा ये है एंड बीटा भी उल्टा हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम फिगर क्या करना है, मिरर इमेज राइट में रखा गया है, राइट में रखा गया, इसको अगर देखें तो ये लगा ई ई इसमें सीधा है, तो ये दो ऑप्शन तो गए, ये दोनों बचे हैं के, इन दोनों में जेड जेड की मिरर इमेज ये ली होगी सेकेंड ऑप्शन। पेपर कटिंग एरो इस तरफ देखेगा, ये वाला तो हटा दें, ये भी हटा दें, ये दोनों बचे, इन दोनों में बीच में ट्रायंगल आएगा, नहीं आएगा। ब्रेन R18 1 19, ए में 4 जोड़ा है, I 5, एन में 1 जोड़ा है, टी में 1 जोड़ा है, आर में 1 जोड़ा है, ए का 5 है, डब्ल्यू में 1 जोड़ा है, S 19 यानी कि 20 होगा, M 13 यानी कि 14 होगा, ए का 5 होगा, R का 19, T का 21, 3 और 4 को इंटरचेंज करके क्वेश्चन सही करनी है। टू नंबर नॉट डिजिट, तो 4 दूनी 8, 14 चौके 56, इन टू करना है यार, यार बाद में करेंगे फिर। 756 बी का मतलब क्या है, इन टू, ए का मतलब प्लस, 925 सी डिवाइड है, 25 माइनस 42, तो 25 75, 75 7 5 27, नहीं 17 होगा, 17 175 25 70 175, 37 37 -42 माइनस का 7 5 12 माइनस का 5, 4 6 24, 4 5 20 2 22, 4 7 28 30, माइनस 5 हो जाएगा 3 19, 1900 दिखेगा, 30 19। सीरीज़ में क्या आएगा, काफ़ी डिवाइड हुआ ऐसा लग रहा है, 4 3 4 से 4 3 12, 4 3 12, 4 6 24, 4 से डिवाइड, 4 6 24, नहीं 4 के बाद 5, 5 से डिवाइड करें, 5 6 30, 5 7 35, 5 2 10, 4 5 6 से डिवाइड होगा, 6 का 9 6 6, 7 से डिवाइड होगा, 16 7 112, 16 16 आएगा, 7 के बाद 8 से डिवाइड होगा। एब्जॉर्ब, ए में 3 जोड़ा है, बी में 2 जोड़ा है, एस में 1 कम है, 18 3, 15 3 18, 3 जोड़ा है, एंड आर के बाद टी RSC 2 जोड़ा है, एंड B-1, अच्छा ये कोडिंग है, 3 2 1, जीनियस 7 3 10, J 2 5 2 7, 7 J G J G J G M कॉमन हो गया, ठीक है, फिर इसका फिर 3 आ जाएगा, 9 3 12, ये आएगा 9 3 12, 21 2 23, ठीक। स्ट्रेस हाई ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिसीज ही तो है, स्पाइनल इंजरी टैनिंग फ्रैक्चर। 4 4 मिनट बचे हैं मेरे पास, इसमें
7 2 9 9 3 27, 7 2 9 9 3 27, 27 4 31, 5 9 5 15, बट 5 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। 3 का 6 करें, 6 9 6 3 18 ना, 27 4 जोड़ा है, 3 का मल्टीप्लाई था, अब इंटू 5 ही होना चाहिए था यार। अच्छा 5 के 9 5 5 3 15, सॉरी 6 जोड़ा है। ओ के बाद क्या आएगा? पी बी ओ के बाद अगर मैं ए लूँ, पी के बाद क्यू, ओके दिख गया, ओ पी क्यू आर एस एस, ठीक है हाँ यही आएगा। 3 ऑफ द फॉलोइंग आर सेम, 5 15 12 26, 8 24, 1 3, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 12 26 नहीं है। मिशनरी नहीं, लॉजिकल ऑर्डर है। 3 मिनट बचे हैं। पैराग्राफ, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट, चैप्टर, सेंटेंस। सेंटेंस वर्ड से सेंटेंस बनता है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 1, 2 5 1 2 5 1 2 5 1 तो ज़रूर होगा, नहीं 2 5 1, 3 अल्फ़ाबेट, 2 5 1 4। यहाँ बाद में करते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर बड़े कम है, नंबर तो गिन लेते हैं, इसमें तो 8 होते हैं, 8 होगा इसमें, 9 10 11 12 12, 1 2 3 8 3 11, और 1 12, 12 से बड़ा एक नंबर है, 13। 13वां बन सकता है क्या? कहीं मर्ज करने से कोई भी नहीं बनना, ये दोनों ट्रायंगल हैं नहीं, 12 ही हैं। पी के उल्टा होता है, बी का उल्टा वाई होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया है। RSRSTQ, ये दोनों अपोजिट एरो हो गए हैं, तो एरो अपोजिट हो जाने चाहिए अंदर की दिशा में, यानी कि ये दोनों बचे हैं, ये दोनों बचे हैं, एंड RS नहीं, Q RST, तो ये तो सब अल्टरनेट है। नंबर की थोड़ी दिक्कत है, बाकी इन दोनों में से फर्स्ट या फोर्थ में से कोई होगा। 1 मिनट बचा है। हाँ, इन अ रो 30 गर्ल्स, व्हेन अश्विनी वॉज शिफ्टेड बाय 6 प्लेस टूवर्ड्स द लेफ्ट, शी बिकेम 17th फ्रॉम द राइट एंड, व्हाट वॉज द अर्लियर पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट एंड। इन अ रो ऑफ 30 गर्ल्स, व्हेन अश्विनी वॉज शिफ्टेड बाय 6 प्लेस टूवर्ड लेफ्ट, 30 लोग हैं ठीक है, राइट एंड से 17th हो गया है। 17th होने का मतलब है इसके इधर 16 लोग हैं और इधर 13 लोग हैं, ये 6 कदम लेफ्ट सरका था, 6 कदम इसको इधर कर दें हम, 6 कदम करने के लिए इसको 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, तो 7 5 12, 22 लोग को पार करने के बाद व्हाट वॉज द अर्लियर पोजिशन टूवर्ड द लेफ्ट। अभी नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन बाकी हैं। 12 दूनी 12 3 36, 3 8 24, 3 का मल्टीप्लाई, 3 में 27, 7 में लगा 2, 3 6 12 12 2 14, 3 5 15, और 1 16, 3 6 18, 29 3 29 28 29 87, 1 88 कॉमन एक्सेप्ट, पता नहीं, 4 साइड हैं, 4 साइड हैं, यही थोड़ा ऑकवर्ड है। फोर्थ वाला ही लग रहा है ऑकवर्ड। 50 मिनट हो चुके हैं, 50 मिनट बचे हैं, 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन हो गए। सिमलाइजिंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ द मंथ ऑफ, दशहरा अक्टूबर में मनाया जाता है। बोल रहा हूँ, कार्तिक हटा दो, ज्येष्ठ आषाढ़ हटा दो, अश्विन, सर क्रीक इज़ अ 96 एस्चुरी दैट लाइज बिटवीन, गुजरात के साइड है, गुजरात एंड पाकिस्तान के बीच में है।
इंडिया इज़ सेट टू चेयर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एंड होस्ट 46 सेशन फ्रॉम जुलाई 21-31-2024 इन, नहीं पता, ये भी नहीं आता, बट इसको ट्राई करेंगे अभी। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया? आयरन का आयरन उड़ीसा ही है। इसमें मैं अंधी लगाना चाहूँगा उड़ीसा के साथ। निज़ाम उल मुल्क असफ जाह द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर एट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर। मुल्क असफ जाह, फर्रुख शियार, आलमगीर टू, अहमद शाह। इसका याद नहीं आ रहा बट लिखा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 48। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। हाँ, दो यूटी आती हैं लेकिन करेक्ट बोथ। अटल इनोवेशन मिशन एम वॉज सेटअप इन, नहीं याद। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार यही बने जुड़े थे कब? 1919, हटा दो इससे मतलब नहीं। 1909 में ना बचे ये दोनों। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे ये है। डाउट है इन दोनों में से एक ही है बट। स्क्विड्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? स्क्विड, स्क्विड नीमेटोड, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, एनेलिडा। स्क्विड आते हैं मोलस्का में शायद, मोल सॉफ्ट, स्क्विड 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 स्क्विड। नहीं, अरे स्क्विड डाउट हो गया है इसमें बट मॉल उसका लगा रहा हूँ। टू प्रिस्क्राइब, 7 मिनट थे, 2 मिनट बचे हैं। द प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर अ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट और यूटी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द अथॉरिटी? इसका हिंदी में देखें। किसी राज्य केंद्र या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य कुछ रोजगार या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में निवास निर्धारित करने का अधिकार। एक शर्त के रूप में निवास निर्धारित करने का अधिकार। केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? गवर्नर भी लग रहा है, मार्क कर देंगे। विच ऑफ द इज यूज्ड मैनी इंडस्ट्रीज एज अ सॉल्वेंट एंड इन मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक रबर? पैराफिन वैक्स, वॉन्ट टू मेक केमिकल प्रोडक्ट। हु द फॉलोइंग बेस्ट नोन फॉर रिसर्च क्वांटम थ्योरी एंड फॉर प्रैक्टिस क्वांटम थ्योरी? 1929 में नोबेल प्राइज। पंडित सुरेश भाई गैटोनोडे वॉज अ, नहीं पता। डोंगिरा कौन एम्ब्रॉयडरी शॉल जी आई टैग कहाँ का है? डंगरिया। 2 मिनट बचे हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 मिनट भी नहीं बचा है। लेंथेनाइट एफ ब्लॉक ऑफ पीरियड। थ्री फोर फाइव सिक्स, फोर्टी फाइव हो चुका है। युवा निधि। वन द फॉलोइंग वॉज अ मैस्कट खेलो इंडिया यूथ गेम जनवरी 2024? वीरा मंगई, क्यूली। खेलो इंडिया ये सब गुवाहाटी में हो रहा है। पुली थेवर, नहीं पता है। DPSP 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। नाइन्टी सेवन से किस में घुसा है? विदाउट थंडर एयर का उसको।
नालंदा महावीरा वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द गुप्ता रूलर? नालंदा तो कुमार गुप्त है शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? राइट मतलब इधर से, गोमती ऊपर साथी, घाघरा ऊपर साथी, कोसी ऊपर साथी, पुनपुन बच रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपर सलाइन लेक लोकेटेड इन लद्दाख? टाइम ले लिया मैंने मैथ का, दो क्वेश्चन देख लूँ। ये करेंगे लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड बताना है तो सब जुड़ेगा, ये चीज सब जुड़ता ही है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये भी नहीं पता, 43 पे आया हूँ आज। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन विथ 12 साइड, सम क्या होता है? एन माइनस का 2 अपॉन अपॉन नहीं करना है, 180 का मल्टीप्लाई है, 10 का मल्टीप्लाई है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई? एक्स वाई का मल्टीप्लाई है। दो इक्वेशन है, बाद में देखते हैं। इन अ ट्रायंगल दिस देन फाइंड एंगल सी। ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये 60 डिग्री है तो ये √3, ये 1, तो ये 2 होता है। बी एंगल 60 है तो इसको ये बोल रहा है 4√3, तो ये 4 दुनिया 8, ये 4। अगर ये 90 बनने वाला है तो सी वाला एंगल ये वाला हो जाएगा, ए 90 है तो ये 30। लग ही रहा था ये 90 डिग्री चल रहा है। बाद में कौन शेप्ड इतना बाद में, ये भी नहीं। सॉल्व दिस, 6 चौके 24 माइनस 240 माइनस का 200 माइनस माइनस प्लस, 4 दुनिया 800, तो 200 चला गया, 600 बचा, 600 में घटाना है, 600 में क्या जोड़े हैं? 360 प्लस का ही आएगा। द वैल्यू ऑफ दिस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, 60 माइनस 15 1/√2। गिवन दैट दिस 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 इसकी वैल्यू बतानी, इसका स्क्वायर 196 इज इक्वल टू ये होता है और ये ख़त्म हो जाएगा, 196 ही होगा। हाइट एंड डिस्टेंस कर सकते हैं, वन ऑफ ईच साइड ऑफ रोड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, वन देर आर टू वर्टिकल पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द रोड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, वन पोस्ट इज 108 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर पोस्ट 30 एंड 60, द हाइट ऑफ अदर पूछ रहा है। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस वाले से 30 डिग्री गिर रहा है, ये 30 है, ये 60 है, √3 वन वन √3, तो √3 का मल्टीप्लाई इधर दिया आएगा 3। एक की वैल्यू 108, तीन की वैल्यू 300, द हाइट ऑफ अदर पोस्ट इट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड फुट। ओके गलत बनाया मैंने, टॉप एंड फुट, तो ये है 30 एंड ये है 60, 60 के अकॉर्डिंग ये हो गया √3 वन, ये हो गया वन, ये √3, इसमें √3 का मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया 3 की वैल्यू दी गई है, 3 × 9 18, एंड हमें कितने की बतानी है? 4 की, नहीं यार छोटा भी तो हो सकता है ये, 3 में 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 की यानी कि 72 आंसर होगा। डी एंड डी लगाते हैं, ओके बात है, ये तो बड़ा हो नहीं सकता तो छोटा ही होगा। 39 नॉमिनेट बचे, द प्रेजेंट एज ऑफ पीहू इज 3/7 टाइम्स ऑफ फादर, पीहूज एज बिकम आफ्टर 6 ईयर पीहू बिकम हाफ ऑफ द एज ऑफ द फादर। ओके पहले अगर मान लें ये
एक्स, तो 3x+6 अपॉन 7x+6 इज इक्वल टू 1/2। किसकी बतानी है? एज ऑफ पीहू। तो 2 3 6, 2 6 12 बराबर दिस। इधर जाएगा एक्स, इधर आएगा 6, एक्स की वैल्यू 6 3 18। यहाँ बाद में दिनेश अंकल कन्फ्यूज वर्किंग 44 डेज, दिनेश अलोन 55 डेज, कार्तिक अलोन। 4 5 20 गुणे 11, तो 11 6 4 5 20, ये 4 आएगा। एक एक का डिवाइड करना, 11 2 22। वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सीधे कर देंगे, √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस का sec स्क्वायर 45 यानी कि √2 का 2 प्लस √3 3 माइनस cosec 30 2 का स्क्वायर 4, 3 2 5 एक, एक बचा एक, सही 3/4। विनी बॉट आइटम इन अ सेल एट डिस्काउंट 15% ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ही सोल्ड इट फॉर एन अमाउंट 25% मोर देन द ओरिजिनल प्राइस। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड ही मेक? ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस अगर 100 है, 15% डिस्काउंट दे दिया है। ही सोल्ड इट फॉर एन अमाउंट 25% मोर देन ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट इसने कितना बनाया है? 40 रुपये का ट्रैक्टर जा रहा है, 40 85 में से, 5 8 40, 17 5 85, 17 6 68, 12 120, 17 7 119। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल सर्टेन रेट इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इतना इतना, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, एक ही पी पे है। बाद में करेंगे, ऐसा ही रिवाइज करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी शॉर्ट बोला हूँ मैं। कंटेनर इतना प्योर मिल्क, 12 लीटर ऑफ मिल्क इज रिमूव एंड रिप्लेस बाय वाटर एंड रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। इसका फॉर्मूला क्या होता था? ओरिजिनल क्वांटिटी क्यू माइनस, अभी याद नहीं आ रहा, 37 मिनट। लेंथ एंड वाइड ये है एलमेंट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40। पेरीमीटर यानी कि 2 टाइम्स, एल प्लस डब्लू 20 है, एल माइनस डब्लू 10 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्लू, डब्लू बताना है, इसको इससे घटाते हैं तो ये हो जाएगा 10/2 5 आएगा। फाइंड द रिमाइंडर, 64 से अगर डिवाइड करेंगे तो -1 की पावर -1 ही आएगा, और ये इधर से भी -1, माइनस का 2, 64 में 2 गया 62। बाय सेलिंग 173 पेंसिल तो शॉपकीपर गेंस CP ऑफ 13। ये बाद में, पर्सन ने कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस 2s किलोमीटर इन टी आवर्स। यार आज कैसे दिए हैं इन्होंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू है 2s टी आवर्स में। बी कवर्स ये है ए का, डी डिस्टेंस बी की है, s/4 किलोमीटर इन 1.5 t आवर। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पर्सन ए एंड दैट ऑफ पर्सन बी, ये स्पीड ए की हो गई, ये स्पीड बी की हो गई, या कितने ट्रैक्टर जाएंगे आज। ए एंड बी आर द सेंटर्स एंड ए एम इज़ इक्वल टू बी एम इज़ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ए एम और बी एम 11 है, फाइंड एम एन। ए अच्छा, ये सेंटर है, ये रेडियस हो गई, ये इक्विलेटरल एंगल हो गया, तो इसकी हाइट कितनी होती है? √3/2, 11, और इसका दुगना कर देना यानी कि 11√3। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क 10 12 6, ऑल ऑफ देम स्टार्टिंग विद टुगेदर एंड वर्क फॉर 2 डेज, फाइंड द टाइम टेकन बाई सी टू कम्प्लीट द रिमेनिंग। 12 2 24 60 आएगा, 10 6 का 60, 12 5 6 6 दहा, 6 5 11 और 10 21। 2 दिन काम किया, 21 2 42 काम हो गया, 18 काम बचा। 18 काम किसको करना है? सी को करना है, 18/10 यानी कि 9/5, 9/5 ये दिख रहा है, 5 9। एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इज 3 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ बी, 3:1। टुगेदर दे फिल द टैंक इन 10 आवर्स 30 मिनट, ये एफिशिएंसी है। तो टाइम का रेशियो उल्टा, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू इतना। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए, ओके 4 की वैल्यू है 10 आवर 30 मिनट, 30 को 1/2, 1/2 मतलब 21/2, 21/2 4 की वैल्यू है, हमें 1 की वैल्यू बतानी है।
एक की वैल्यू 21/8, कुछ गड़बड़ गया है। 3 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ पाई बी, 3 टाइम्स ही तो है, टाइम इनका उल्टा हो जाएगा, इसका 1, इसका 3, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू है 10 घंटे 30 मिनट। टुगेदर दे फिल द टैंक, आंसर तो ज़्यादा ही आना चाहिए था। दस घंटे 30 मिनट, साढ़े 10 घंटे 21/2, क्यों नहीं हो रहा, 33 मिनट। इफ सेक 2/3 ऑफ 25% मार्बल फ्रॉम जार सी, पहले इतने करें 25%, अरे दादा एंगल में दिया है, और ये वैल्यू है 4680, इसका 48 डिग्री, ठीक। इसमें भी 25% ऑफ मार्बल फ्रॉम, इसका 25% 1/4, इसका भी 2/3%। आर टेकन पुट इन जार ई, देन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार डी एंड ई, इनको उठा के ई में डाल दिया है, ई में डाल दिया, और फिर डी और ई का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डी और ई का डिफरेंस, ई में जुड़ जाएंगे कुछ, फिर डी से घटाना है, तो मैं पहले इसका डिफरेंस अगर ले लूं, मतलब डी माइनस ई बोला है इसने, तो डी है 96 डिग्री, ये है 72 डिग्री, प्लस का माना ये एक्स, माइनस एक्स कर देना है बस, 72, 24 कुछ यहाँ नहीं कि 24 डिग्री, 24/360, 4680 का ये उठा के मैंने यहाँ रखा, 4680, 48, 360, ये 1/6, ठीक, ये कॉमन, ये कॉमन, 24 कॉमन, 4680, 24/360 इज इक्वल नहीं, 1 - 24 2 48, और ये 6 2 3 6, 2/3 का मल्टीप्लाई, 3 8 24, 2 से काटा 180, 0 से 0 गया, 18 2 36, 18 6 108, 8 6 48, 8 2 16 4 20, 208 होना यार, 208, 31 मिनट, इंग्लिश में भी नहीं जाएंगे आज, काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, 51 52 से शुरू करते हैं। ये इसकी वैल्यू ये है, ठीक, इसको इधर किया और मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर खुल जाएगा, ये 3x माइनस का y अपॉन में अंडर रूट 3xy इज इक्वल टू 8/3, 3x+y की वैल्यू दी है 40, हमें इसकी बतानी है, 3x+y का अगर होल स्क्वायर करें उसके फॉर्म में निकाल, 3x+y इज इससे नहीं मतलब है, इसके थ्रू जाए, इसका स्क्वायर 3x-y का होल स्क्वायर प्लस में 4xy, ये होता है 40 4 16 100 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर यहाँ रख दिया, स्क्वायर करना 8 8 64 3 3 9, 3xy प्लस में 4 टाइम्स, ये xy की जगह ये 3xy होगा, 4 3 12xy हो जाएगा, ठीक है, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 3 12, 9 चौक 3600 इज इक्वल टू, 16 3 48xy प्लस का 9 3 27xy, 8 7 15, 4 2 6 75xy, 75, ओके, 15 2 30, 15 चौक 60, 2400, 15 5 75, 24 5 5 चौक 20, 5 8 40, 48 के आसपास, 0 ज़्यादा होंगे बस,
वो क्या 29 इन अ कॉलेज 29 और बचे हैं। देर आर टोटल 28 स्टूडेंट, रेशियो मेल एंड फीमेल 5:2 हैं, ठीक है। 60% स्टूडेंट रिसीव्ड स्कॉलरशिप, 30% ऑफ टोटल फीमेल स्टूडेंट रिसीव्ड, टोटल फीमेल स्टूडेंट, अच्छा 60 टोटल हैं, लड़कियों में से 30 को मिलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु रिसीव्ड स्कॉलरशिप एंड द नंबर ऑफ फीमेल डिड नॉट रिसीव? गॉट इट। पहले ये निकाल लें, 30 का गैप, 30 दूनी 60, 60 बटेगा 5 में 12, 12 जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो गया 72%। अब बताना क्या है, हु रिसीव्ड स्कॉलरशिप लड़कों में, 72% लड़कों को मिलती है। 5 2 7 4 28, 400 4 5 20, 2000 इधर हैं, 800 लोग इधर हैं, इसका 72%, तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 1440 लोगों को मिलती है। फीमेल स्टूडेंट हु डिड नॉट रिसीव, 30%, यानी कि 70% को नहीं मिलती। 7 2 8 56, यानी कि 560 लड़कियों को नहीं मिलती है। ये डिफरेंस 14 में 6 गया 8 एंड 13 13 8 5 13 55। अ कोन शेप्ड कैप हैज स्लांट हाइट 20 मीटर, रेडियस है 9 20 9, स्लांट हाइट 20 है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, स्लांट हाइट एल ए दे दी है 20, ओके। पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, अच्छा सीधे मल्टीप्लाई करना है, 20 × 9 × 180 × 3.14 × 15, 5 × 60, 15 × 9 15 × 6 21, 15 × 45 तो 47, 0 × 18 = 18, 18 × 7 = 126, 26 × 27, एक ही ऑप्शन में है, 18 × 72, 72 × 12 = 84, 27 मिनट बचे हैं। टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल सोल्ड बाय शॉपकीपर इन द मंथ ऑफ जून एंड अगस्त इज दिस, जून और अगस्त को जोड़ना है, पेन एंड पेंसिल, जून 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 जून, पेन 800 या अगस्त, पेन कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल्स कौन से मंथ की, सब कुछ जोड़ देना, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा अच्छा 8 8 1600 एंड 1225 एंड 260, 6 2 8 2 10, 3000 + 4000 है यार, जून और अगस्त। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर में पेन पेन है ब्लू वाला 850, पेंसिल सितंबर में, सितंबर में पेंसिल ऊपर, सितंबर में ये 1600, 1600 और 850 का डिफरेंस, 9 8 17 8 8 16 7 7 15 750 होता है, दोनों ही गलत है, इनकरेक्ट बतानी है, दोनों ही इनकरेक्ट है, यानी कि बोथ 1 एंड 2 आंसर होगा। थोड़ा रीजनिंग करें, 57 60 तक हो चुके हैं, 12 का स्क्वायर 256 + 6 है, 15 300 24 4, ना ना ना, इसका दुगना करें, 15 × 30 28 बच रहा है, 12 × 24 22 बच रहा है, 12 का 9 12 10, क्या है यार ये, पहले मैथ ही कर लेते हैं, 0.x इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एस टी यू वी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्स इज द सेंटर, इफ साइड एस वी इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट डब्ल्यू सच दैट वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी यू, एस वी डब्ल्यू तक बढ़ा दिया, एस वी वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी यू, वी यू ये बराबर हो गई हैं, एस टी यू एंगल एस टी यू, एस टी यू ये 92, टी एस वी 74, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी यू डब्ल्यू, टी यू डब्ल्यू ये एंगल बताना है, ये एंगल दोनों बराबर हैं, ओके
92, तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10, 100, 100 और 18, 180। अरे नहीं, 8 2 10, 70 आएगा। अरे क्या हो रहा है, 9 9 18, 8 9 17, 88, 8 2 10, 9 8 17, 1 18। ठीक, ये 88, इन दोनों का सम 88 हो गया, यानी कि ये 44 होगा, ये 44 होगा, तो ये कितना होगा, 6 4 10, 8 7 15, 9 7 16, 106, 106, 6 4 10, 150, 23 मिनट, ये हो गया 66। SICI 3200, 2 साल का, यानी कि 1600 1600, और इसको 280 और मिला, नहीं 3200 नहीं, 180 और मिला है, तो 180 1600 का कितना हो गया, 18 बटे 160, यानी कि पी का 18 बटे 160 किया होगा तब ये मिला होगा। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आएगा, अरे 80 रुपये है यार, वही कहें 8 2 16, 1 बटे 20, 1 बटे 20 बोले तो 5%, 1 बटे 20 यहीं कर दो ना, 16 2 32, 3200। अ कंटेनर कंटेन्स, इसको वैसे करना पड़ेगा, अब फॉर्मूला तो याद नहीं आ रहा। प्योर मिल्क 12 लीटर निकाल दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया वाटर से, 12 लीटर अगर मैंने 240 से निकाल दिया तो कितना बचा, 228, और ये 12 हो गया वाटर का। दो बार और करना है ये चीज़, से 12 लीटर और कम करना है, देन ऐड करना है 70, ये 240 है, ये 12 है, बीस का मल्टीप्लाई 20 3 60, 0 7 14 7 6 13, 4 3 7, 127, फिर से 20 का मल्टीप्लाई, 13 2 26, 2 2 8 0, 2 2 8 0, 7 6 2 8 2 1 3, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, कुछ गड़बड़ ही किया मैंने, तीन सत्तर 21, 3 6 18, 3 3 3 2 6, 3 9 27, पता नहीं हो रहा, 20 मिनट बचे हैं, अब इंग्लिश में शिफ्ट होना पड़ेगा, 41 ही क्वेश्चन अभी तक हुए हैं, आज काफ़ी कम है। सैलियंट फीचर्स, एमिनेंट डिलीवर, इनवाइटेड एकेडमिक, एमिनेंट सिनोनिम डिलीवर, इनवाइटेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट। 2024 विल बी द क्रिटिकल ईयर ऑफ फॉर इंडिया, द नेशनल इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन अप्रैल मई, इट्स रिजल्ट विल बी ऑलवेज वॉच्ड एज द आउटकम इम्पार्शली, वॉच एज द आउटकम विल इन्फ्लुएंस द पॉलिसी फ्रेमवर्क, क्लोजली वॉच्ड इन्फ्लुएंस कुड बी थर्ड ईयर इन द रो दैट द कंट्री इमर्जेज एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, प्रमोशंस आर हाई, invitation expectations are high, we need to watch out for the trajectory for of interest rate in India, this issue has been raised though a bit prematurely with one member of the monetary policy committee
ओपनिंग, ब्रिजिंग, कैटेगराइजिंग, 19 मिनट बचे हैं, क्या होगा? दो अबिट प्रेमचंद विद वन मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी कमेटी ओपिनिंग दैट इट इज, ये नहीं पता, परहैप्स स्पेस विल ओपन अप व्हेन इन्फ्लेशन फॉल्स टू लेस देन 5% विच एज पर द आरबीआईज फोरकास्ट इज लाइकली इन द सेकेंड क्वार्टर आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट इज फ्रेम्ड इन स्वॉर्न इन फाउंड इन आफ्टर न्यू गवर्नमेंट इज फाउंड इन स्वॉर्न का मतलब नहीं पता. विच एज पर द आरबीआई फोरकास्ट इज लाइकली इन द सेकेंड क्वार्टर आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट इज However, the average repo rate over the past decade has been around this. The reduction to 4% was due to abnormal data and hence easing rates now will simply. The reduction to 4% was due to abnormal standards. Rising tide lifts all boats. Rising tide lifts all boats. Adversity affects everyone negatively. Individual effort leads to success. ये थोड़ा तो opportunities favor those who are a prosperous situation benefit everyone. A rising tide lifts all boats. Adversity LIR. Active voice. Was learnt है. तो learnt ही होगा. Learn हटा दो. Had learnt हटा दो. Will learn हटा, ये आएगा. Navigating through the crowded aisles of the bookstore, she dreamed of exploring a peaceful hellworld. She could immerse herself in her newly acquired novels. She dreamed of exploring a peaceful. बता ही नहीं चाह रहा का मतलब यार. The pioneering research, new possibility. फॉर ट्रीटिंग क्रॉनिक डिसीजेस सरपास करना बढ़ाना सरपास मतलब कम करना फॉर ट्रीटिंग क्रॉनिक नहीं अनअर्थेड कंटेंडेड परसुएडेड न्यू पॉसिबल परसुएडेड किसी को मनाना न्यू पॉसिबिलिटी फॉर थ्रेटिंग एंटोनिम द सेंसिबल सेन सेन का एंटोनिम इनसेन सेन मैनियक पागल ही होता है ना से मैनियक होगा इनसेन डिसक्वालीफाई परमिट डिसक्वालीफाई पर प्रीक्लूड इंक्लूड करना मोबिलाइज करना कैपेसिटेट कैपेसिटी में होता है तो उसको रख लेते हैं परमिट अलाउ करना प्रिक्लूड करना यही बच रहा है अ कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स बंटिंग बुके हर्बेरियम क्लच ये हटा दो ये हटा दो ये दोनों क्लच भी हटा दो यही बच रहा है नो स्पेलिंग एरर एंटरप्रेन्योर एंटर ये हटाओ ये भी हटाओ उनमें क्या अंतर ये आएगा ओपेसिटी ठीक है इनडायरेक्ट स्पीच 15 मिनट बचे डेविड सेट टोल्ड मी दैट ही आई वॉज रीडिंग ही हैड बीन रीडिंग अ बुक व्हेन आई हैड यू कॉल्ड मी आई हैड कॉल्ड हिम द प्रीवियस डे डिस्क्राइबिंग और रिगार्ड एज वर्थी ऑफ डिस्ग्रेस और ग्रेट डिसअप्रूवल पोर्टेबल गवर्नमेंट सिंगुलर
स्टिग्मेटाइज, स्टिग्मा साइज रिगार्डिंग करती है, और डिसग्रेस और ग्रेट डिसअप्रूवल, पोर्टेबल हटा दो, गवर्नमेंट भी नहीं आएगा, ये उस पर आता है खाने पीने से, सिंगुलर भी हटा दो, यही बच रहा है यार। द आर्टिस्ट वॉज अ जैक ऑफ ऑल हॉबीज, हु कुड पेंट स्कल्प सिंग एंड प्ले, जैक ऑफ ऑल आर्ट्स, जैक ऑफ ऑल स्किल्स, जैक ऑफ ऑल आर्ट्स, ईडियम ही होगा यार ये कोई, अ जैक ऑफ ऑल आर्ट्स, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ट्रेड्स, ही वर्क्स हार्डर देन एनी वन एल्स इन हिज ऑफिस, ही वर्क्स हार्डेस्ट, हार्डर वर्क इन हिज ऑफिस इज ही, नो वन इन हिज ऑफिस वर्क्स एज हार्ड एज ही डज, ही वर्क्स हार्ड इन हिज ऑफिस, सुपरलेटिव बना भी दा नहीं लगा है, ही वर्क्स द हार्डेस्ट इन, ही वर्क्स हार्डेस्ट इन हिज ऑफिस, दा नहीं लगा है, दा नहीं लगा, ही वर्क्स द हार्डेस्ट इन, नो वन एल्स इन हिज ऑफिस वर्क्स एज हार्ड एज ही डज, यही है, ही वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज, 13 मिनट, कॉम्प्रोमाइज हिज प्रिंसिपल इवन वेन फेस्ड विद एडवर्सिटी, कॉन्स्टी कॉन्सिस्टेंटली अपहोल्डिंग हिज इंटीग्रिटी एंड स्टेइंग ट्रू टू हिज वैल्यूज, प्रिंसिपल ही वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज, वुड के साथ कॉम्प्रोमाइज, ना ना ना, ही मैनेज विद डिफिकल्टी टू लिव इन हिज अर्लियर स्टेजेस ऑफ लाइफ, ही वेंट थ्रू इन हिज अर्लियर स्टेजेस ऑफ लाइफ, मैनेज विद डिफिकल्टी टू लिव, वाइल सोसाइटल स्टैंडर्ड्स प्रीपेचुएट द नोशन दैट बीइंग फेयर एंड स्किन इज इक्वेटेड विद ब्यूटी, इट इज क्रूशल टू रीडिफाइन दीज आइडियल्स, सोसाइटल स्टैंडर्ड्स परपेचुएट द नोशन दैट बीइंग फेयरर एंड स्किनी इज इक्वेटेड विद ब्यूटी, इफ ही लिसेंड टू माई एडवाइस ही वुड नॉट बी मेकिंग दैट मिस्टेक, वुड नॉट बी मेकिंग, ही वुड नॉट, नो वुड नॉट हैड, ये तो हटा दो, ये दोनों बच्चे, ही वुड नॉट मेक दैट मिस्टेक इफ ही लिसेंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे पास्ट वाला आएगा, हैव के साथ ये आएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट वाला, 99 और 100, 100 देख लें पहले, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस डीमोनिस्ट्रेटिंग दैट स्ट्रेंथ कैन एवर, 11 मिनट ऑफ लाइफ विद रिसिलियंस डिटर्मिनेशन नेविगेशन एंड एस से स्टार्ट है, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस शी प्रिजर्व विद अनवेवरिंग अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ विद रिसाइलेंस एंड ऑप्टिमिज्म डीमोन्स्ट्रेटिंग दैट स्ट्रेंथ कैन इमर्ज इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, पी पे खत्म होगा, क्यू और पी में डाउट हो रहा है, एस के बाद पी, पी के बाद इमर्ज, ना ना ना, पी क्यू आर होगा, शी प्रिजर्व विद अनवेवरिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट स्ट्रेंथ कैन इमर्ज ऑफ लाइफ, दैट स्ट्रेंथ कैन इमर्ज ऑफ लाइफ विद रिजल्ट एंड ऑप्टिमिज्म डिटर्मिनेशन नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज इवन इन द फेस ऑफ, ये लगाते हैं, 10 मिनट बचे हैं, डी ए सी बी, द प्रोसेस ऑफ कोल माइनिंग, वंस एक्सट्रैक्टेड कोल इज यूज, वाइल कोल हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट एनर्जी सोर्स फॉर अंडरग्राउंडिंग माइनिंग रिक्वायर्स टनलिंग इन टू द अर्थ रीच कोल सीम्स, वाइल ओपन पिट माइनिंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ ओवर, द प्रोसेस ऑफ कोल माइनिंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ कोल डिपॉजिट फ्रॉम अंडरग्राउंड माइन्स और ओपन पिट माइन्स, ए के बाद डी होगा, ए के बाद तो डी होगा, डी के बाद ए के बाद डी, ए के बाद डी, डी इन दोनों में से कोई एक, सी से स्टार्ट, वाइल कोल हैज़ बिन सिग्निफिकेंट एनर्जी सोर्स फॉर सेंचुरी इट हैज़ रेस्ड, ठीक है, एसोसिएटेड विद एक्सट्रैक्शन एंड कम्बशन, वंस एक्सट्रैक्टेड कोल इज यूज फॉर पावर जनरेशन, दिस 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 द प्रोसेस ऑफ सी बी ए डी, ये तो करना ही नहीं है, पहले रीजनिंग, 12 22 9 मिनट बचे हैं, क्या होगा यार इसका, 12 3 15 225,
15 का स्क्वायर, 15 के 3 18, 324, 4 28 होता है, 328 का आधा करें तो 1 16 और 4 164, 2 1 3 1, 164, 169, 13 के आसपास है, 131, 131। एस के बाद टी आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, एस के पहले आर आता है, यू वी डब्ल्यू वी, ठीक, यानी कि डी के बाद ई आता है, डी के पहले सी आता है, दो ऑप्शन है, ओ के बाद ओ पी क्यू, दो कदम के क्यू आता है, आई के दो कदम पे 9 2 11, 11 पे तो कोई है ही नहीं यार, लास्ट वाला देखें तो डी के दो पहले बी, डी के दो बाद एन, 14 2 16, दो कम, दो दो कम किया है, ठीक है, वाई से दो कम करें, वाई से दो ज़्यादा, 25 2 27, यानी कि दो कम करें 23, डब्ल्यू ए डब्ल्यू पे ख़त्म होगा, यही ऑप्शन लगाएंगे, हाँ ये लो 8 मिनट, 3 और 4 को चेंज करना और करेक्ट बताना है, 4 6 24, 4 5 20, 2 22, 4 8 32, 2 34, माइनस का 3 से डिवाइड, 15, 3 2 6, प्लस का 55, 4 में 2 गया, 12 में से 5 गया 7, 3 में 1 गया 2, इसमें 55 जोड़ना है, 5 2 7, 7 5 12, 3 3 2 7 सही है, दूसरा वाला 4 का डिवाइड इसको करना है, 4 1 9 4, 4 2 8, 24 4 96 होता है, 15 65, प्लस में 3 5 15, 3 8 24, सॉरी 25, 1 4 14, 2 5 5, 5 1 6, 5 4 9, 6 16 96, दोनों सही हैं, करेक्ट पूछी है, 19 5 13, 19 25 95, 72 51, 7 मिनट बचे हैं, 19 और 5 का गैप, 19 और 20, अरे 19 और 5 कम कर देंगे तो आएगा 14, एक और कम किया है, 2 में 1 गया 1, 7 में 5 गया 2, एक और कम किया है, 32 28 का गैप 4 है, ये 10 का गैप है और एक और कम किया है, 2 कपल्स इन अ फैमिली, कोमली हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, मधुरिमा इज़ दी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, मधुरिमा इज़ दी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, हु इज़ द ब्रदर ऑफ मणि, हु इज़ द ब्रदर ऑफ मणि, पिंकी इज़ द डॉटर ऑफ कोमाली, पिंकी इज़ द डॉटर ऑफ कोमाली, उर्मिला इज़ द सिस्टर ऑफ संजू, हु इज़ द सन ऑफ ओम प्रकाश, ओम प्रकाश का सन है संजू, इसकी बहन है उर्मिला, हु इज़ द सन ऑफ, तरुण इज़ द सन ऑफ मणि, मणि कहाँ गया, मणि कौन था, मणि ये था, मणि का सन है कौन, तरुण, हु इज अ मेल, ये मेल हो गया, तो कोमाली ये हो गई, कोमाली उसकी ये बहन हो गई, हाउ मधुरिमा इज रिलेटेड टू कोमाली, मधुरिमा रिलेटेड टू कोमाली सिस्टर इन लॉ, इसमें पहले और चौथे में से एक ऑप्शन होना है, 1 2 3 4, क्यू आर एस टी, डी आई के जी, डी जे एल एच, डी आई के जी, ये भी नहीं है यार, ऑप्शन पहले चौथे में से है, कैसे, 2 7 5 9, अच्छा डी आई जे के, डी जे एच, 2 5 7 9, डी एच जे एल, डी जी आई के, दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, 4 3 7 2 9, 4 4 8 3 11, 8 2 10, 2 12, 9 2 11, 4 3 7 2 9 2 11, 3, तो अच्छा गैप था यही वाला लास्ट ऑप्शन, 4 मिनट 63 क्वेश्चंस, करेक्ट
काफ़ी कम मार्क्स आने वाले हैं। इन अ रो ऑफ 30 गर्ल्स अश्विनी वॉज शिफ्टेड बाय 6 प्लेसेस टूवर्ड द लेफ्ट। राइट एंड से 17वें नंबर पे थी, तभी गड़बड़ हुआ था। 17वें नंबर पे थी तो इधर हो गए 16 लोग, इधर हो गए 13 लोग, नहीं 13 नहीं, 17वें नंबर पे थी तो यार इधर 13 लोग तो होंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गई है, तो 13 लोग, 5 नंबर जोड़ दें इसमें, 5 3 18, 19वें नंबर पे आएगी। एक पुलिस वाला भी तो खाली करेगी, 20वें नंबर पे आएगी लेफ्ट हैंड से। मैथ मैथ, 4 क्वेश्चन बचे हैं मैथ में, ये वाला तो हुआ नहीं था। वाया सेलिंग 173 पेंसिल, शॉपकीपर गेंस अ सीपी ऑफ 313 पेंसिल। 173 को सेल करते हैं, 173 का सीपी प्लस 13 सीपी, दो तीन तीन छः सात एक आठ, 186 बाई 173 एस अपॉन सी। गेन परसेंटेज 13/173, 7 21, 17/7 119, 121, कितना बचेगा, 10 में 9, 9 में 1, 89, 0, 17/85, 5 बार। पर्सन ए कवर्स अ 10 डिस्टेंस, इतना इतना 3 मिनट बचे हैं, 2 किलोमीटर इन टी आवर। पर्सन बी कवर्स एस बाई 4 इन 1.25 आवर। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द पर्सन ए, पर्सन ए की स्पीड कितनी है, पर्सन ए की स्पीड 2s/t है और उसकी s/4 1.5t है, एस और टी तो चलेगा। सही से काटे तो हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, 2 2 4, 1/6, 2/1, 6 2 12/1, 3 times b से टुगेदर। दे फिल द टैंक इन 10 आवर 10:30 मिनट, फाइंड द टाइम टेकन बाय 10 आवर 30 मिनट। 21/2 ये हो गया टोटल, डिवाइड बाय ए से करना है ना, ये 3 3 से डिवाइड, 3 7 21, 7 6 28/2, 14 आवर्स। पहले नहीं हो रहे थे ये सारे क्वेश्चन, ये वाले का फॉर्मूला मैं भूला हूँ। 1 मिनट बचा है, इंग्लिश में हिंदी नहीं लगाएंगे, जीके में क्वेश्चन देखना था यार, कहाँ गई। एक मिनट बचा है, इसको ट्राई करते हैं। 12 दूनी 24, 12 का स्क्वायर भी नहीं लग रहा है, 262 का आधा भी नहीं लग रहा है, सौ 28 का आधा 120 प्लस 11, 150 प्लस 14, एक एक कम, ओके ओके ओके, यानी कि क्या हो सकता है, 19 × 10 करें 190, एक कम जोड़ें इसमें 18, 208 इसका दुगना कर दें, 416 निकल आया। हिंदी नहीं लगाएंगे अब, 23 सेकेंड, 68, 15 मार्क्ड हैं बट 15 वो भी किए, यानी कि 8 5 13, 83 के आसपास शायद, नहीं एक दो ज़्यादा मार्क हैं, 80 प्लस किए हैं शायद। चलो देखते हैं क्या स्कोर आता है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो उसको कैंसिल करते हैं,
इतना कम स्कोर, 127, इंग्लिश वर्स्ट परफॉर्मेंस, फिर भी ये समझे। बाकी तीन जो मेरी वीकनेस है उसमें लग रहा काफ़ी कठिन आई इंग्लिश अब की बार, पर फिर भी मैथ रीजनिंग, मैथ में पूरे रीजनिंग में पूरे हो गए सही हैं, एंड जीके में ये, मैथ में भी ठीक, इंग्लिश पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, इसकी इंग्लिश एनालिसिस ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड जो भी इसकी एनालिसिस होगी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक लिए प्रैक्टिस करते रहिए सीजन 24 के लिए, एंड थैंक यू।